तो क्या हालचाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्राउज़र के बारे में जो कि मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस उस पर बहुत अच्छा रहा है और आप भी उसे यूज़ कीजिए। वो ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है जो कि क्रोम ब्राउज़र से 3 गुना ज़्यादा फास्टर है और वो एक ऐसा ब्राउज़र है जिसमें आपकी प्राइवेसी इनवेडिंग एड्स नहीं आते। प्राइवेसी इन्वेडिंग एड्स ऐसे एड्स होते हैं जो कि आपके डेटा को यूज़ करके आपको दिखाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं और वो है कि अगर आपने कभी अमेज़ॉन पर किसी लैपटॉप को सर्च किया और वो लैपटॉप आपने सर्च करने के बाद छोड़ दिया और उस ऐप को बंद कर दिया, लेकिन जब आपने यूट्यूब खोला तो वहाँ पर आपको उस अमेज़ॉन पर जो आपने लैपटॉप देखा था उसी का ऐड आपको यूट्यूब पर दिखाया जाएगा और इसे ही प्राइवेट इन्वेडिंग एड्स कहते हैं। उसमें आपके वेब पेजेस बहुत जल्दी लोड हो जाते हैं और इसी वजह से वो आपका टाइम, पैसा और आपकी बैटरी लाइफ तीनों चीज़ें बचाते हैं। तो ये ब्राउज़र मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं आपको इसमें बताऊंगा 3 रीज़न्स कि क्यों आपको उसे यूज़ करना चाहिए और उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसे सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे रीज़न्स के बारे में जिनको सुनने के बाद आप बोलेंगे कि यार नहीं, मैं तो ब्रेव ही यूज़ करूँगा। उसमें से सबसे पहला रीज़न ये है कि वो आपको 5 सर्च इंजन्स प्रोवाइड करता है। वो एक अकेला एक ऐसा ब्राउज़र है जो कि आपको 5 सर्च इंजन्स देता है जिसके थ्रू आप किसी भी सर्च इंजन को सेट करके सर्च कर सकते हो, जैसे कि क्वांट, डकडकगो, गूगल, बिंज, याहू। ये सारे 5 सर्च इंजन आपको वो देता है और इनमें से किसी भी सर्च इंजन को चूज़ करके आप डायरेक्टली आपका सर्च परफॉर्म कर सकते हो। तो ये फीचर, और ये मुझे भी नहीं पता था कि 5 सर्च इंजन्स होते हैं, लेकिन इस ब्रेव ब्राउज़र को यूज़ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इनकी सर्च परफॉर्म करने का जो तरीका है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है इसे यूज़ करने का। दूसरा, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप ब्रेव पर एड्स देखते हो, यानी कि एक छोटा सा साइड में ऐड वो दिखाते हैं और अगर वो डिस्प्ले किया हुआ ऐड, उसमें आपको कुछ भी नहीं देखना, वो सिर्फ एक लिखा हुआ रहता है, उसमें कोई वीडियो आपको नहीं देखना है, वो सिर्फ एक छोटा सा ऐड देखने पर वो ब्रेव ब्राउज़र आपको क्रिप्टो करेंसीज देता है, यानी कि बेसिक अटेंशन टोकन बैट्स आपको प्रोवाइड करता है। और ये एक अकेला ऐसा ब्राउज़र है जो कि एड्स दिखाने पर रिवेन्यू शेयर करता है, यानी कि 30% रिवेन्यू जो एड्स देखने पर आपको मिलता है उसका 70% रिवेन्यू वो आपको देता है और 30% खुद रखता है। और वहीं पर अगर हम क्रोम की बात करें तो क्रोम बहुत ज़्यादा इरिलेवेंट जो एड्स होते हैं वो आपको दिखाता है और उसका कोई रिवेन्यू आपके साथ शेयर नहीं किया जाता। तो इसी वजह से ब्रेव मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें कोई इरिलेवेंसी जैसी चीज़ें नहीं आती, जैसे कि बहुत उल्टी सीधी चीज़ें क्रोम पर दिखाई जाती है, लेकिन ब्रेव पर आपको डिसेंट एड्स दिखाए जाते हैं। एड्स नहीं कह सकते उन्हें, एक छोटा सा टेम्पलेट बोल सकते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा रीज़न ब्रेव ब्राउज़र को यूज़ करने का ये है कि ये एक ऐसा ब्राउज़र है जहाँ पर आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, आप कम्प्लीटली ऑनलाइन रहते हुए भी बिल्कुल सेफ हो। क्रोम पर आपको डिफरेंट टाइप के रीडायरेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपने किसी वेबसाइट पर क्लिक किया लेकिन वो किसी और ही वेबसाइट पर आपको ले जाएगी, लेकिन ब्रेव पर आप कम्प्लीटली सिक्योर हैं, आपको बिल्कुल भी रीडायरेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वो सारे के सारे ट्रैकर्स को ब्लॉक कर देता है और कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता और इसी वजह से प्राइवेसी इन्वेडिंग एड्स आपको नहीं आते। इवन यूट्यूब पर अगर आप वीडियो ब्रेव ब्राउज़र में देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको एड्स नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आप यूट्यूब प्रीमियम का मज़ा फ्री में ले सकते हो। तो ये थे कुछ ऐसे 3 रीज़न जिनकी वजह से हो सकता है आप कन्विंस हो गए होगे कि ब्रेव ब्राउज़र आपको यूज़ करना चाहिए, और अगर आप कन्विंस नहीं हुए हो कि यार ब्रेव ब्राउज़र थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नया है या फिर मुझे इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे सिर्फ एक रीज़न बता दो कि आपको उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप डाउनलोड करना चाहें तो। तो अब हम देख लेते हैं कि इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है और कैसे इसे सेटअप किया जाता है, कैसे इसके एड्स देखकर क्रिप्टो यानी कि बैट्स, बेसिक अटेंशन टोकन्स कमाए जाते हैं और उन्हें डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पीसी पर। ब्रेव ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप कोई सा आपका ब्राउज़र खोल लीजिए। उस ब्राउज़र को खोलने के बाद आप उसकी सर्च बार में ब्रेव ब्राउज़र टाइप कर दीजिए और इंटर दबा दीजिए। इन चीज़ों को करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और फिर आपको डाउनलोड ब्रेव बीटा पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड ब्रेव बीटा पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर नई टैब खुल जाएगी। नई टैब खुलने के बाद आपके सामने एक बटन दिखेगा जो कि डाउनलोड बीटा फॉर विंडोज 64-bit लिखा होगा। उसे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सेव का ऑप्शन आएगा, सेव या फिर सेव ऐड का, तो आपको डायरेक्टली सेव पर क्लिक कर देना है। और सेव पर क्लिक कर देने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर एक exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उस exe फाइल को जब आप क्लिक करेंगे
तो वो exe फाइल डायरेक्टली आपके सिस्टम के अंदर ब्रेव को इंस्टॉल कर देगी और उसका जो लोगो होता है वो कुछ इस तरह दिखेगा। फिर आप उसको क्लिक कर देना। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नया एक ब्रेव का इंटरफेस खुलेगा, उस पर लेट्स गो को क्लिक करो। लेट्स गो को क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक कर देना। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद एक और नेक्स्ट आएगा तो उसे भी क्लिक कर देना और फिर आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी। होम स्क्रीन पर आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्रेव रिवॉर्ड्स क्या होता है। अब ब्रेव रिवॉर्ड्स के बारे में जानने के लिए पहले स्टार्ट यूजिंग रिवॉर्ड्स को क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट यूजिंग रिवॉर्ड्स पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है यहाँ पर हमें 0.0000 बैट्स लिखा हुआ आ गया और ये बैट बेसिक अटेंशन टोकन वही क्रिप्टो करेंसी है जो कि आपको ब्रेव के एड्स देखने के लिए मिलती है। और जैसे जैसे आप एड्स देखते जाएंगे वैसे वैसे आपके बैट्स यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये एड्स होते क्या हैं और किस तरह के ये हमें दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे लेफ्ट बॉटम में आपको ये एड है, ये एक एड है ब्रेव का एड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके सर्च इंजन्स में क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सर्च करके बताता हूँ। ये जो सर्च हुआ है ये ब्रेव ब्राउज़र के थ्रू और ब्रेव सर्च इंजन के थ्रू सर्च हुआ है। अब इसी के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने टाइप के सर्च इंजन्स हैं और कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के लिए आपको टॉप पर क्लिक करना है और टॉप की के बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। या फिर डायरेक्टली Ctrl+J से भी आप सेटिंग में जा सकते हो। सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने सबसे नीचे से फोर्थ नंबर पर सर्च इंजन लिखा होगा। सर्च इंजन में आपको सबसे टॉप पर लिखा आ जाएगा बहुत सारे ऑप्शंस और यहाँ पर क्वांट में अभी गूगल भी है, डग डग गो भी। सबसे पहले हम यूज़ करके देखते हैं कि डग डग गो किस तरह का एक सर्च इंजन है और कैसे इसमें सर्च परफॉर्म होता है। तो डग डग गो के अंदर हम लिखते हैं व्हाट इज़ डग डग गो और देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है और कैसा सर्च आता है। तो ये कुछ सर्च डग डग गो के अंदर आया और डग डग गो का जो सर्च इंजन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और डग डग गो कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी बना है, जब बल्कि ये तो बहुत पुराना एक सर्च इंजन है जो कि बाहर यूज़ होता है USA में। और डग डग गो एक मोस्ट सिक्योर सर्च इंजन भी माना जाता है। तो बहुत सारे सर्च इंजन है जिनसे आप डील कर सकते हैं इस ब्रेव ब्राउज़र के अंदर। तो सर्च इंजन्स जैसे कि क्वांट, डग डग गो, अकोसिया, स्टार्ट पेज, बिंग, ये सारे सर्च इंजन्स मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर सर्च करके देखना इस इनके थ्रू और फिर मुझे डिफरेंस ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअल में आपको क्या डिफरेंस लगा इन सारे सर्च इंजन्स के बीच में। और यहाँ पर आप आपकी सेटिंग खुद कर सकते हो, जैसे कि कितने एड्स आपको देखने हैं, 10 एड्स पर आवर या फिर 5 एड्स पर आवर। तो जितने एड्स आप ज़्यादा देखेंगे उतने ज़्यादा रिवेन्यू आप कमा सकते हैं। यहाँ पर ऑटो कंट्रीब्यूट पर बिल्कुल क्लिक मत करना, इसे ऑफ कर देना, क्योंकि ये डायरेक्टली अपने आप ही जो भी बैट्स आप कमाएंगे वो दूसरे को दे देगा, इसीलिए इसे हमेशा ऑफ रखना। अब हम आ गए हैं ब्रेव रिवॉर्ड्स पर। ब्रेव रिवॉर्ड्स पर आपको वो चीज़ें दिखेगी जो आप हर महीने बैट्स कमाएंगे। जो भी बैट्स आप अर्न करेंगे वो आपकी 6th of every month आपके इस ब्रेव रिवॉर्ड्स में आ जाएंगे। और इन्हें आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको आपका जो वॉलेट है उसे वेरीफाई करना होगा और उसे वेरीफाई करने के लिए आपको वो जो अनवेरीफाइड लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉलेट चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने अपहोल्ड यूज़ किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपहोल्ड पर ही अकाउंट बनाएं। अपहोल्ड पर अकाउंट बनाने के लिए उसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें जैसे आप अपहोल्ड पर क्लिक करेंगे वो बताएगा कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो लॉग इन कीजिए, अगर नहीं बना हुआ है तो आपको 2 बैट बेसिक अटेंशन टोकन आपके वॉलेट में इकट्ठा होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप अपहोल्ड पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो आप कर लेना, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपहोल्ड का अकाउंट बनाना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, ईजी है। मैं आपको लॉग इन करके बताता हूँ कि मेरे पास अभी कितने बेसिक अटेंशन टोकन्स पड़े हुए हैं। तो लॉग इन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने बेसिक अटेंशन टोकन्स है और ये ऑथोराइज़ करवाता है कि। और उसके बाद हमने जो अकाउंट बनाया उसमें मैंने आपको अपहोल्ड का अकाउंट क्रिएट करना भी सिखा दिया है। और अपहोल्ड का अकाउंट में मेरे अपहोल्ड के अकाउंट में 17 बैट्स अभी हैं, 17.5 बैट्स हैं जिनकी वर्थ है $12.65। तो ये जो $12.65 है ये आप कहीं भी किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो और इजीली आपका जो पेमेंट है वो निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है जो कि आपको अर्न करने के लिए भी देता है। सिर्फ आपको आपको सिर्फ इसमें सर्च करना है और छोटे मोटे एड्स, अभी तक मुझे एड्स नहीं आया है बिल्कुल भी, एक छोटा भी एड नहीं आया है। और आप देख सकते हैं इसमें कोई इरिलेवेंसी नहीं है।
छोटे छोटे से एड्स आते हैं जिससे आपको पेमेंट दिया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर यूज़